हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि हियर एंड यू वाचिंग सृष्टि इज डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लो गाइस, एंड उसके बगल में एक घंटी होगा ना, उसको भी जरूर बजा देना ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का वीडियो है, आज मैं आपको बताऊंगी मेरे होली ग्रेल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इनको एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी ट्रैवल पे जाती हूँ तो मैं कुछ ऐसे ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखती हूँ जो मेरे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहती। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम ग्लोइंग स्किन के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, आप बताओ। सो गाइज, मेरे ट्रैवल किट में क्या क्या चीज़ें हैं मैं सारा आपको बताऊंगी एक्सप्लेन करके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जिसके बिना मैं बिल्कुल रह नहीं सकती हूँ। पहला प्रोडक्ट है फेस वॉश। फेस वॉश वॉशरूम में रखा हुआ है। फेस वॉश मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। अभी मैं क्लिंज मी क्लिंजर यूज कर रही हूँ क्योंकि विंटर का टाइम है। सो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे होते हैं कि मैम कोई अच्छा सा फेस वॉश बताओ जो ऑयली स्किन के लिए अच्छा हो, ड्राई स्किन के लिए। तो मैं फेस वॉश ट्राई करती रहती हूँ। तो फेस वॉश मेरा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है कि मैं एक ही फेस वॉश पूरे टाइम यूज करूँ, मेरा चेंज होता रहता है। सो करेंटली आई एम यूजिंग क्लिंज मी क्लिंजर, उसका भी मैंने फुल रिव्यू कर रखा है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। सेकंड प्रोडक्ट है मेरा डैम फेवरेट गाइस, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती हूं, वो है ये कॉजारेक्स का स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट गाइस। मेरा स्किन विंटर में समर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहता था। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसने मेरे स्किन को मतलब अमेजिंग बना दिया है, अमेजिंग। सो ये मेरे स्किन को इतना ज्यादा हाइड्रेट करता है कि मुझे एज सच कोई टोनर का जरूरत नहीं पड़ता है, और ये मेरा पूरा काम फिनिश कर देता है। लाइक इट हैज हाइलुरोनिक एसिड और बहुत सारे ह्यूमक्टेंट हैं, लेकिन इसको सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एसेंस होता है। एसेंस मतलब फेस वॉश के बाद या तो आप टोनर यूज करो या तो एसेंस यूज करो। सेकेंड मेरा अभी करंट फेवरेट हो गया, मतलब अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरा स्किन बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ड्यू टू दिस प्रोडक्ट। दिस इज सून यंग मॉइस्चर इमल्शन। मैं वो एसेंस के बाद मैं ये इमल्शन अप्लाई करती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमल्शन गाइज। उसके बीच में मैं सिरम भी अप्लाई करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी मैं कौन सा सिरम अप्लाई कर रही हूँ। सिरम भी मेरे चेंज होते रहते क्योंकि मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे होते हैं, मैम ये वाला सिरम ट्राई करो, वो वाला सिरम ट्राई करो। तो मैं काफी सिरम्स ट्राई करती हूँ, बट ये दोनों तो मतलब मैं अभी आगे भी खरीद के रखी हुई हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है जनरली नायका पे, और मिलना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट गाइज, जिसका स्किन का बैरियर डैमेज है, जिनको काफी ज्यादा ऑयली ग्रीजी मॉइस्चराइजर का जरूरत नहीं है, जिनको लाइट वेट मॉइस्चराइजर का जरूरत है ना, यू कैन गिव इट अ ट्राई गाइज। आपको महंगा लगेगा 1250 रुपए। पहले टाइम फर्स्ट टाइम मुझे भी महंगा लग रहा था, बट अभी मुझे वर्थ लगता है क्योंकि आपको इसका 120 ml मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगी ये है मॉइस्चराइजर जिसको मैं अभी यूज कर रही हूँ, रात में यूज करती हूँ। दिस इज अल्टीमेट नरिशिंग राइज ओवरनाइट स्पा मास्क। समर्स में मैंने को परचेज किया था, बट समर्स में बहुत हैवी होता था, मुझे बहुत ज्यादा चिपचिपा सा फील होता था, बट विंटर में इट्स ब्यूटीफुली वर्किंग ऑन माय स्किन। ये ब्यूटीफुली मेरे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इट हैज ऑक्लूसिव, इट हैज इमोलियंट, और इसमें राइस एक्सट्रैक्ट है 68.9%। उसका मुझे एज सच कोई ज्यादा फायदा नहीं लगता है, बट ये बहुत अच्छे से स्किन को नरिश मॉइस्चराइज, आपका स्किन काफी ग्लोई सपल एंड रेडियंट दिखता है। तो आप में से कुछ लोग मुझे पूछोगे क्या मैं इसको दोबारा परचेस करूंगी। मे बी इन विंटर्स आई कैन परचेस, मतलब एक विंटर में मैं इसको खरीदूंगी जो कि पूरे 2 से 3 महीने चलेगा, उसके बाद भी पूरे समर्स 8 से 9 महीने होंगे, उसमें मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाहूंगी। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है ये मिनिमलिस्ट का ओट मॉइस्चराइजर। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, ओट है इसमें, काफी मॉइस्चराइजिंग है, और मैंने इसको इसीलिए लिया क्योंकि विंटर में क्या होता है ना, मैंने इसको अभी परचेस किया था और मैं इसका रिव्यू भी करना चाह रही थी, तो मैं इसको काफी टाइम से अप्लाई कर रही थी। इट्स वेरी ग्रीजी फॉर माई स्किन, मुझे बहुत ज्यादा ग्रीजी फील होता है, ऑयली, हालांकि अभी पील नहीं हो रहा है। मैं इसका अपडेट रिव्यू भी बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी आफ्टर 1-1.5 मंथ और 2 मंथ्स का जो भी मेरा रिव्यू होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बट मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें पीलिंग का प्रॉब्लम है, इट्स टू हैवी टू ग्रीजी। आई डोंट लाइक दी फॉर्मुलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे हैवी लगता है मेरे स्किन पे, एंड मुझे बहुत डल डल सा फील होता है। इसको अप्लाई करने के बाद मुझे फ्रेश ग्लोई रेडियंट फील नहीं होता, मुझे काफी डल स्किन फील होता है। सो आई एम नॉट गोना रीपर्चेस दिस। मे बी अगर फॉर्मुलेशन चेंज होता है देन आई कैन ट्राई, बट इट्स वेरी अफोर्डेबल गाइज। अगर आपको कोई अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर चाहिए फ्रेग्रेंस भी जिसमें कुछ
फालतू के इंग्रेडिएंट्स ना हो तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। सीरम की बात कर लेते तो अभी मेरे पास दो सीरम है। आई एम लविंग दिस सीरम करंटली विच इज मिनिमलिस्ट का वाइटामिन सी सीरम। ये बहुत ही प्यारा सीरम है गाइस, मेरे स्किन के लिए तो मुझे सूट करता है। दिस इज द ओनली वाइटामिन सी सीरम जो मेरे स्किन के लिए सूट करता है। अदरवाइज मुझे जनरली मेरे स्किन पे सीरम सूट नहीं करते हैं, स्पेशली वाइटामिन सी सीरम। इट्स वेरी स्टेबल, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है स्टिल, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ। इट्स वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ वाइटामिन सी एंड आई एम लविंग दिस सीरम, सीरियसली आई लव दिस। और मैंने इसका सुना है कि मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्बिटिन भी काफी अच्छा है। After finishing this serum, I'm gonna try Minimalist का Alpha Arbutin। इसका भी मैंने full review किया, almost इसमें से सारे product का मैंने full review किया, आप description box check कर लेना। serum की बात करें then I have Niacinamide serum। आप लोगों को पता होगा अगर आप मुझे काफी time से follow कर रहे होंगे तो मैं दो ही serum apply करती हूँ अपने face पे, एक तो Niacinamide serum, दूसरा Vitamin C serum। Vitamin C मैं as a antioxidant use करती हूँ जो कि मेरे free radical को neutralize करता है, मेरे skin को काफी brighten, even tone बनाता है। एंड Niacinamide सीरम भी जो होता है वो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, एंटी एजिंग के लिए काफी अच्छा होता है, हमारे जो भी पिंपल एक्ने मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करता है, मुझे ऐसा फील नहीं होता है, बट ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है Niacinamide, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। आई हैव 3 बॉटल ऑफ दिस इंकेलस Niacinamide। इट्स टू हैवी, टू ग्रीजी, आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दिस फॉर इंडियन वेदर। इंडिया में जो है विंटर में आप यूज कर सकते हो, समर्स में आपको बहुत ज्यादा ऑयली ग्रीजी फील होगा। सो आप कोई भी Niacinamide, आप वेयर नेचुरल्स का Niacinamide यूज कर सकते हैं, आप मिनिमलिस्ट का Niacinamide सीरम यूज कर सकते हैं, आप नाइमैक्स डी जेल जिसमें 3 या 4% Niacinamide है आप वो यूज कर सकते हैं, आप कोई भी Niacinamide सीरम यूज कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, फॉर्मुलेशन अच्छा होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को सूट करना चाहिए। आप कोई भी यूज करो। Niacinamide सीरम के सजेशन का मैं कुछ लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। सो करंटली आई एम यूजिंग दिस क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होते मेरे पैसे लगे होते हैं तो मुझे फिनिश भी करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस सारे ही प्रोडक्ट मैं अपने पैसे से खरीदती हूँ। एज सच मुझे यूट्यूब से कोई ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, व्यूज उतने ज्यादा नहीं है, सो बहुत ज्यादा अर्निंग होता नहीं है, सो मैं अपना खुद का पैसा इस पे इन्वेस्ट करती हूँ। सो मैं कोई भी प्रोडक्ट फेंकती नहीं हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हूँ, आइदर मैं अपने बॉडी पे अप्लाई करती हूँ या फेस पे अप्लाई करती हूँ या मैं अपने मॉम को दे देती हूँ, लेकिन मैं सारे ही प्रोडक्ट्स अप्लाई। सो नेक्स्ट है सनस्क्रीन की बारी आ जाती है, तो सनस्क्रीन अभी करंटली आई एम यूजिंग दिस क्योंकि ये मेरे पास था, इसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ऑलमोस्ट आप देखो फिनिश हो गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, सनस्क्रीन में फिनिश ही कर देती हूँ क्योंकि अच्छा हो ना हो डेली डेली लगाना है, घर पे रहना, अभी बाहर कहीं जाना नहीं है, व्हाइट कास्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, फिर भी अपना लगाते रहो। बहुत जल्दी मैं इसका फुल रिव्यू करने वाली हूँ, बट मैं बता देती हूँ कि ये विंटर के लिए ही अच्छा, समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीजी फील होता है और बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट देता है। सो अभी विंटर में मैं इसको फिनिश कर रही हूँ, इससे पहले मैं लास्ट शील्ड का अप्लाई कर रही थी, लास्ट शील्ड भी काफ़ी ऑयली ग्रीजी था बट समर्स में चल जा रहा था, बट अभी ये मैं इसको फिनिश कर दी हूँ, इसका मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने वाली हूँ। सो गाइज सनस्क्रीन अभी मैं वेट कर रही हूँ, मिनिमलिस्ट ने डाला था कि वो अपना एक सनस्क्रीन लॉन्च करने वाले हैं, सो आई एम वेटिंग फॉर दिस। टोनर मैंने ऑलरेडी उनका ऑर्डर कर रखा है, बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगा, मैं अप्लाई करूंगी और उसका रिव्यू करूंगी, इसीलिए मैं अभी कोई दूसरा सनस्क्रीन खरीद नहीं रही हूँ। बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अच्छा सनस्क्रीन बताओ, स्टिल आई एम सर्चिंग गुड सनस्क्रीन जो फिजिकल हो, ज्यादा व्हाइट कास्ट ना दे और अच्छा हो स्किन पे, ऐसा कोई रिएक्शन ना हो, उसमें सारे अच्छे फिल्टर्स यूज किए गए हों। आप वेट करो गाइस, जरूर मैं एक अच्छा सा सनस्क्रीन वीडियो लेके आऊंगी। आई एम वेटिंग मिनिमलिस्ट वन और मैंने ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च कर रखा है। सो ये हो गया। अब कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे डेली के होते हैं, एक तो है ये गार्नियर का माइसलर वाटर, इससे मेरा मेकअप बहुत इजीली रिमूव होता है, सो इसको मैं ज़रूर रखती हूँ अपने मेकअप मतलब मेरा आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, ये सब बहुत इजीली रिमूव होता है। और प्रोडक्ट है जिसके बिना मैं नहीं रहती हूँ, जो मैं अपने बाल में अभी भी अप्लाई कर रखी हूँ और बॉडी पे भी अप्लाई करती हूँ, वो है पैराशूट का ये कोकोनट ऑयल। दिस इज द प्रोडक्ट जिसको मैं अपने बॉडी, बाल, फेस,
पे अप्लाई करती हूँ और फिर नहाने से पहले और फिर जाके मैं नहा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑयलिंग, ऑयल मसाज, और मैं यही एक प्रोडक्ट है जिसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। अभी मैं बॉडी लोशन, इतना बड़ा डब्बा था मेरा तो मैं नहीं लेके आई बॉडी लोशन, मतलब मुझे लगा कि कहाँ रखूँगी इतना बड़ा डब्बा, तो ये डब्बा मैं हमेशा कैरी करती हूँ क्योंकि ये मेरा बॉडी लोशन का भी काम करता है। मेरा हेयर, बालों पर भी मैं इससे चंपी करती हूँ क्योंकि मतलब मैं बिना तेल के शैम्पू नहीं कर सकती हूँ, और अपने फेस पे भी समटाइम्स मुझे फेस पे मसाज करने का मन होता है तो मैं यही वाला प्रोडक्ट कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ। सो ये मेरा होली ग्रेल है फॉर हेयर, बॉडी, सब चीज़ के लिए। सो गाइज दैट्स माई होली ग्रेल्स, जिनके बिना मैं नहीं रह सकती, स्किन केयर, बॉडी केयर, जो भी आप कह लो। सो ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।